गुरु जी, ये आजकल हम जो शादियां जो लोग बहुत बहुत एज के बात करने लग गए हैं, पहले होता था कि यार जैसे अभी कुछ दिनों पहले सुदेश जी जो कॉमेडियन है वो और उनकी मिसेज आई थी, उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं उनकी वाइफ 15 साल की थी और वो 17 साल के थे, उन्होंने तब शादी की थी। बहुत अच्छा, चलिए वो तो और ही ज़माना था, लेकिन आइडियली मैंने भी जल्दी शादी की है, सबको जल्दी शादी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको अपना सही, मैंने भी जल्दी शादी की है, जल्दी विवाह मैंने भी किया। कितनी उम्र में? मैं उस समय 22 वर्ष का रहा हूँगा। वाह, 22-23 आखिरी। घर वालों की मर्जी से ही प्रेम विवाह? नहीं नहीं, सब घर वालों की राशि मर्जी से। जल्दी विवाह का सारा काम ही कर रहे थे खुद तो। जल्दी विवाह करने के बहुत फायदे, जल्दी विवाह कर लेने से आपके समय से बच्चे हो जाएंगे, समय से आप मैच्योर हो जाएंगे, समय से आप अपने काम पे लग जाएंगे, समय से आपकी जिम्मेदारी आ जाएगी, समय से बच्चे बड़े होंगे, समय से जब बच्चों का विवाह करने की टाइम आएगा तब भी आप यंग रहेंगे, अच्छे रहेंगे, सही कहा है ना, तब आपके शरीर में ताकत रहेगी, एनर्जी रहेगी। और आप 30 साल में विवाह करते हैं तो बच्चा होगा 32 साल में, है सही बात है। और फिर वो कब विवाह, तब तक तो आपके दांत वांत गिर चुके होंगे, और 30 गिर चुके होंगे तब तक तो। हाँ, और 30 में तो कोई करता ही नहीं, अगर लेट है तो फिर 40-42-45 में करते हैं, लेकिन वो तो एक ऐसा विषय है कि जिसको ऐसा साथी मिल गया। यदि इसका साइंटिफिक रीजन भी देखें ना, तो स्त्री जो होती है ना वो एक टाइम होता है बच्चा पैदा करने का, शरीर में जो हार्मोन्स तैयार होते हैं ना वो एक टाइम होता है, 30 से 31 के बाद, समझियो जो 20 साल से 30 साल की एज है, बीच का जो 10 साल है, इसमें खूब ताकत होती है, इस जवानी में लड़का लड़की के अंदर खूब एनर्जी होती है, लेकिन 30 साल के बाद आप माइनस होने लग जाते हैं, आप थकने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप पहले ज़्यादा काम कर पाते थे, आपके अंदर पहले ज़्यादा एनर्जी थी, अब आपकी एनर्जी डाउन होने लग गई है, पहले आप ज़्यादा खाते थे अब आप कम खाने लग गए हैं, पहले आप ज़्यादा दौड़ लेते थे अब आप कम दौड़ते हैं, क्योंकि 30 के बाद व्यक्ति माइनस होने लग जाता है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही। थोड़ा ये माइनर है, लेकिन 40 के बाद तो बहुत तेजी से व्यक्ति माइनस होता है। अच्छा, मुझे लगा 40 के बाद फिर अच्छा से खाएंगे। नहीं नहीं, 40 के बाद हमारा खाना भी कम हुआ है ना, बहुत कम, बहुत कम। और पहले मेरे को याद है मैं सर रात रात भर जाग लेता था, पूरी रात जाग के लिख लेना, आजकल ऐसा जाग तो सिंपल है ना, शरीर भी तो एक मशीन है, ये भी तो पुरानी होगी, ये भी तो जंग लगेगी, ये भी तो खराब होगी, पार्ट्स खराब होंगे, क्यों? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। तो कौन नहीं जाएगा, कौन नहीं गया? वो आपने अमेरिका में एक बहुत अच्छा जो नाचता था, क्या नाम था उसका? माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन जो था, उसने कितने सारे डॉक्टरों की टीम रख रखी थी अपने पास, है? हाँ हाँ, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन का 1000 रुपए का तो रोज का खर्चा था, केवल जो पानी पीता था वो चेक करके पीता था। उसका सपना था कि मैं कम से कम 100-150 साल जीऊं, लेकिन लगभग 50 साल के पहले निपट गया। वो कांच में सोता था जिसके अंदर हाइपर ऑक्सीजन होता था। हाँ, वो खाता था जो, तो 4 डॉक्टर चेक करते थे पहले कि ये फूड अच्छा है कि नहीं, तब जाके खाता था, और अपनी होंठों को लाल रखने के लिए इंजेक्शन लगाता था, और सदा यंग जवान रहने के लिए खूब, उसके पास पैसों की कमी तो थी नहीं, लेकिन इतना पैसे वाला भी क्या पैसे से जिंदगी खरीद सका? अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।